हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवाणुओं द्वारा होने वाले मानव रोग के बारे में। दोस्तों, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा मानव रोग किस जीवाणु के कारण से होता है दोस्तों, या कभी कभी ये भी पूछ देता है दोस्तों कि जैसे काली खांसी है, डायरिया है, ये किसके कारण होता है, जीवाणु कारण होता है, विषाणु कारण होता है, कवक के कारण होता है, किसके कारण से होता है, वो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। पहला है दोस्तों काली खांसी। तो काली खांसी किस जीवाणु के कारण से होता है दोस्तों? बैसिलस पर्टुसिस के कारण। बैसिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी रोग होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों डायरिया। तो डायरिया जो होता है दोस्तों, सलमोनेला टाइफीरियम के कारण होता है दोस्तों। सलमोनेला टाइफीरियम, ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा इसको। उसके बाद है दोस्तों टाइफाइड। टाइफाइड को ही कहा जाता है आंत्र ज्वर दोस्तों। आंत्र ज्वर, टाइफाइड कह लीजिए या आंत्र ज्वर कह लीजिए, सब एक ही है। ये किसके कारण से होता है दोस्तों? तो सलमोनेला टाइफी। देखिए दोस्तों, टाइफी भी एक वर्ड इधर है, टाइफाइड में भी टाइफी वर्ड मिल रहा है दोस्तों, तो आराम से आप कोरिलेट कर सकते हैं। टाइफाइड जो होता है वो सलमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण से होने वाला मानव रोग है। उसके बाद है दोस्तों हैजा। तो हैजा को आप जानते हो दोस्तों, कॉलरा भी कहा जाता है। तो ये किसके कारण से होता है? विब्रियो कॉलरी। तो कॉलरी से आप कॉलरा पकड़ सकते हैं दोस्तों। हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होने वाला मानव रोग है। उसके बाद दोस्तों कोढ़ है। तो कोढ़ किसके कारण से होता है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि कोढ़ को इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है दोस्तों, तो उसी के नाम पर पड़ा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है वो होता है कोरिनी बैक्टेरियम डिप्थेरी के कारण से। तो ये भी डिप्थेरिया में डिप्थेरी इधर वर्ड है दोस्तों, डिप्थीरिया में डिप्थेरी वर्ड मिल ही रहा है, तो आराम से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि डिप्थीरिया जो होता है किस जीवाणु के कारण से होता है? कोरिनी बैक्टेरियम डिप्थेरी के कारण से होने वाला मानव रोग है। उसके बाद है दोस्तों न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जो होता है वो किसके कारण से होता है दोस्तों? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये भी देखिए दोस्तों, न्यूमोनिया में न्यूमोनी वर्ड आया है, तो आराम से आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिए। आगे है दोस्तों तपेदिक, जिसे हम यक्ष्मा भी कहते हैं, और एक टीबी, टीबी भी उसी को कहा जाता है दोस्तों। तो तपेदिक, यक्ष्मा या आप टीबी बोल लीजिए। तो ये किस जीवाणु के कारण से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। तपेदिक हो गया, यक्ष्मा या टीबी उसी को कहा जाता है। तो किसके कारण से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जीवाणु के नाम के साथ पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों टिटेनस। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, टिटेनस को हिंदी में धनुस्तंभ या हनुस्तंभ भी कहा जाता है। धनुस्तंभ या हनुस्तंभ भी कहा जाता है। तो टिटेनस जो होता है वो किस जीवाणु कारण से होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण से मानव रोग कौन होता है दोस्तों? टिटेनस। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे है एंथ्रेस। एंथ्रेस जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण से होता है। यहाँ पर दोस्तों एंथ्रेस है दोस्तों, मैं एंथ्रेक्स नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एंथ्रेक्स नहीं, यहाँ पर एंथ्रेक्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एंथ्रेस है, एंथ्रेस। तो एंथ्रेस जो होता है वह बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण से होता है। उसके बाद है सिफिलिस या उपदर्स जिसे बोलते हैं, तो वो ट्रिपोनीमा पेलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सिफिलिस याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका ट्रिपोनीमा पेलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला मानव रोग है। उसके बाद है दोस्तों प्लेग। तो प्लेग जो होता है वो यरगेनिया पेस्टेस, एरगेनिया पेस्टेस जीवाणु के कारण से होने वाला मानव रोग कौन है दोस्तों? तो प्लेग है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ और बीमारियों का और रोगों का एक सेट बनाया दोस्तों, वो सिर्फ ये याद रखिएगा कि वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों फोड़ा फुंसी, ये भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। पेट दर्द हो गया दोस्तों सुजाक, जिसे हम गनोरिया कहते हैं। लाल बुखार, या उसी को सिंदूर ज्वर कहा जाता है दोस्तों, और इंग्लिश में उसको स्कारलेट फीवर कहा जाता है। यहाँ तक लाइम रोग है दोस्तों, रिकेट संक्रमण है, ब्रोंकाइटिस है। आप ब्रोंकाइटिस के बारे में जानते होंगे दोस्तों कि ये एक प्रकार का श्वसन रोग है। तो ब्रोंकाइटिस हो गया, प्लूरिसी हो गया, मेनिनजाइटिस,
मेनिनजाइटिस याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि मेनिनजाइटिस जो होता है वो वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है या कवक के कारण होता है। तो याद रखिएगा, ये जीवाणु कारण यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला मानव रोग है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, ये भी दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा और ट्रैकोमा, और एक राइनाइटिस। राइनाइटिस ये जो होता है ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला मानव रोग है। तो दोस्तों यहाँ तक अधिकांश जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित हम लोगों ने उसे कवर किया दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों वो कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।